हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मीनू एंड वेलकम टू लर्न स्पा। तो हम कर रहे थे बेसिकली जो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, क्रेब्स साइकिल के बारे में, इनके बारे में हमने डिस्कशन की थी। तो आज हम बात करेंगे फर्मेंटेशन के बारे में। और जो हमारी बुक्स वाली वीडियो थी उस पर हमने कुछ और बुक्स अपडेट की हैं, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हो। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्मेंटेशन। अ फर्मेंटेशन प्रोसेस होता क्या है और कब होता है, ये बात करेंगे। हमने क्या किया था, ग्लाइकोलाइसिस था हमारे पास, क्या था, ग्लूकोज से पाइरूवेट बन रहा था, ठीक है। 6 कार्बन से हमारे पास 2 मॉलिक्यूल जो 3 कार्बन के थे वो हमारे पास प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। अब जो पाइरूवेट हमारे पास प्रोड्यूस हुआ था, आइदर इट को एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक मींस जो क्या हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था। तो उसमें हमारे पास क्रेब्स साइकिल बना, क्रेब्स साइकिल हुआ और हमारे पास कितने एटीपी जनरेशन हुए, 32 एटीपी, या फिर हम कह सकते हैं 30 एटीपी, जिसके बारे में हमने कल डिस्कशन कर लिया था, ठीक है, जब हमने कैलकुलेशन की थी नंबर ऑफ एटीपी या शटल पाथ की। तो आज हम बात करेंगे कि अगर ग्लूकोज से पाइरूवेट बना और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आगे क्या होगा, तो क्या होगा, तब क्या होगी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी। अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुई तो क्या होगा, उससे होगी फर्मेंटेशन। इट मींस एनएरोबिक मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस है, यहाँ पे प्रेजेंस है, ओके। तो फर्मेंटेशन में हमारे पास क्या बन सकता है, आइदर तो हमारे पास लैक्टेट बनेगा, ठीक है, या फिर हम जिसे कहते हैं लैक्टिक एसिड, और हमारे पास या फिर प्रोड्यूस होगा इथेनॉल। तो आज हम इसी की बात करेंगे कि हमारे पास जो फर्मेंटेशन के जो से प्रोसेस से जो बनेगा कि लैक्टिक एसिड और इथेनॉल कैसे प्रोड्यूस होगा, और इस प्रोसेस में हमारे पास क्या होगा, जो एनएडी की होगी वो रीजनरेशन होगी, एनएडी हमारे पास फिर से प्रोड्यूस होगा। तो आज हम इसकी बात करेंगे कि ये सब कैसे होगा, ओके। तो फर्मेंटेशन में हम देखते हैं कि पहले देखते हैं कि जो हमारा लैक्टिक एसिड है बेसिकली वो कैसे बनता है, ओके। तो लैक्टिक एसिड है, पहले हमारे पास पाइरूवेट था, पाइरूवेट का स्ट्रक्चर सबको याद नहीं होगा, अगर 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, पहले मिथाइल ग्रुप, फिर सीओ कीटो ग्रुप और सीओ नेगेटिव, ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे जो पाइरूवेट का। अब क्या होगा अगर हमारे पास कौन सा और है, लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन हो रही है, वी हैव डन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, जो लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन होगी, लैक्टेट बनेगा। अब यहां पे क्या थी, हमारे पास एनएडी रीजनरेट होगा, हमने कहा था, ठीक है, किससे होगा, एनएडीएच से। इसकी क्या हुई है यहां पे, ऑक्सीडेशन, इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन। तो हमारे पास बन जाएगा COH, यहाँ पे H लग जाएगा और COO नेगेटिव, तो ये बन गया हमारे पास लैक्टेट, ओके, ये क्लियर हुआ, लैक्टेट बन गया। और हमारे पास NAD पॉजिटिव की क्या होगी, फिर से रीजनरेशन होगी, और जो यहाँ पे एंजाइम काम कर रहे हैं उसे हम कहते हैं लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेस, डीहाइड्रोजिनेस। हमने ध्यान रखना है इसमें कि रिएक्शन हुआ कैसे है, पाइरूवेट से लैक्टेट बने, एंजाइम कौन सा यूज हुआ है, और किसकी हमारे पास रीजनरेशन हुई है, और इसकी क्या हुई है, जो ऑक्सीडेशन हुई है, और इसकी क्या होगी हमारे पास रिडक्शन, और हमारे पास लैक्टेट बन गया। अब लैक्टेट कब बनता है इसकी बात कर लेते हैं। अब हमारे पास लैक्टेट बनता कब है, जब क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ठीक है। इन एनिमल्स में क्या हो सकता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो सकता है, जब क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की होने की बजाय एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगी और हमारे पास लैक्टेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जो लैक्टेट की फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होती है, मसल्स में हो सकती है, ठीक है, मसल में होगी। जैसे हमारे पास क्या था, पहले ग्लूकोज था, ठीक है, हमने एनर्जी कंजप्शन जैसे की, तो क्या हुआ, पाइरूवेट जैसे जनरेट हुआ, ग्लूकोज है जो उसकी, मतलब हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज है जो यूज होना शुरू हो गया और पाइरूवेट बन गया। पाइरूवेट से फिर हमारे पास बनेगा लैक्टेट, जो भी हमने बनाया, हम इसमें स्टेप्स नहीं लिखे, ठीक है, पाइरूवेट से जैसे लैक्टेट बन गया हमारे पास, ये रिएक्शन जो कहां पे हो रही है, मसल में। अब मसल में ये हमारे पास बन गया लैक्टेट,
अब ये कहाँ पे जाएगा, फिर क्या होता है, ये लैक्टेट फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे होगा वो देखेंगे हम। लैक्टेट क्या होगा, जब मसल्स में प्रोड्यूस होगा तो ये हमारी जैसे ब्लड वेसल्स जो भी होंगी, ब्लड के थ्रू ये कहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ये आ गया ब्लड के वेसल्स जैसे मिल गए, तो ब्लड के थ्रू ये मसल से कहाँ चला गया, लीवर में ट्रांसफर हो जाता है। ओके, लैक्टेट यहाँ हो गया, फिर ये इसकी फिर से क्या हो जाएगी, कन्वर्जन हो जाएगी लैक्टेट टू हमारे ग्लूकोज की। तो यहाँ पे जो काम करेगा एंजाइम वो कौन सा है, लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज, शॉर्ट में लिखते हैं इसको, लैक्टेट डीहाइड्रोजन एंजाइम है वो यहाँ पे काम कर रहा है, और हमारे पास सिंथेसिस होगी पाइरूवेट की। अब पाइरूवेट से ग्लूकोज कैसे बनता है सबको पता चल गया होगा, क्योंकि हमने पहले इसमें जो ये स्टेप कर चुके हैं हम, कौन सा जो पाथवे है उसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है थ्रू द पाइरूवेट, और अदर बाकी हमने किया था कि अमीनो एसिड्स हैं वो भी काम करते हैं, ठीक है, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस किया था। तो हमारे पास पाइरूवेट से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, फिर ये ग्लूकोज फिर से ट्रांसफर होकर कहां पे आ जाएगा, मसल्स में। इस साइकिल को क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है, जो है कोरी साइकिल है इसका नाम। ये साइकिल किसके नाम से पड़ा, कोरी साइकिल, जो साइंटिस्ट था उसी के नाम पे इस साइकिल का नेम है, इसलिए हम इसको कहते हैं कोरी साइकिल। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास क्या हो रहा है कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन हमारे पास फिर से आ रही है, ठीक है, कि जब हमारे पास मसल्स में लैक्टेट बन रहा है तो वो फिर से ब्लड में के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके ग्लूकोज हमारे पास फिर से अवेलेबल हो रहा है, वापस से हमारे मसल्स में आ रहा है और हमें एनर्जी मिल रही है। ओके, तो अब हमने बात की थी फर्मेंटेशन जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ, अब हम बात करेंगे इथेनॉल जब प्रोड्यूस होते हैं, फर्मेंटेशन में जो इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, इस फर्मेंटेशन को क्या कहते हैं हम, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो प्रोसेस वही था, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, पहले ग्लूकोज से पाइरूवेट बना, अगर एब्सेंस होगी तो हमारे पास इथेनॉल प्रोड्यूस होगा। अब हम देखेंगे कि वो कैसे प्रोड्यूस होगा, तो पाइरूवेट का स्ट्रक्चर सबको ध्यान में, CHCCOOCO-, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास किसका है, पाइरूवेट का, थ्री कार्बन है जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। पाइरूवेट से अब क्या हो गया, इसकी हो जाएगी डीकार्बोक्सिलेशन, तो CO2 है जो वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जो एंजाइम है वो काम कर रहा है यहाँ पे पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज। जो भी एंजाइम के नेम होते हैं और वो क्या काम कर रहे हैं वहां पे, वो हमें हमेशा याद रखना होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो कोएंजाइम जैसे जो भी काम कर रहे हैं उनको भी ध्यान में रखना है, जो थायमिन पाइरूवेट पाइरोफॉस्फेट है तो वो यहाँ पे काम कर रहा है TPP, और विटामिन जो B1 है वो भी, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, CO2 बाहर निकल गया, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकल गई, तो प्रोड्यूस क्या हो रहा है हमारे पास, तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा एसिटल्डिहाइड, CHO लिख सकते हैं या ऐसे लिख लो, ठीक है, तो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ ये एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड जब हमारे पास प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, तो नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली हमारा वही होगा, यहाँ पे जो काम करेगा एंजाइम वो कौन सा है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। और हमने स्टार्टिंग में एक बात कह दी थी कि हमारे पास जो NAD पॉजिटिव है वो क्या होगा, हमारे पास फिर से रीजनरेट हो रहा है, तो इट मीन क्या है, NADH क्या हो रहा है यहाँ पे यूज हो रहा है, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, NAD पॉजिटिव में, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑब्वियसली इसकी रिडक्शन होगी, तो इसलिए हमारे पास ये बन गया CH3CH2COH, इसे हम कहते हैं जो इथेनॉल की हमारे पास प्रोडक्शन होगी। ओके, तो ये हमारे पास हुआ इथेनॉल की प्रोडक्शन। इस टाइप से हमें जो एंजाइम्स के नेम है वो याद रखनी है, दिमाग में ध्यान में रखनी है, और कोई भी कोफैक्टर कोएंजाइम कोई भी काम कर रहा है उस पर, या कोई भी मेटल आयन वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उनमें ध्यान रखना है। अब एक और चीज, एक टर्म होती है फास्टर इफेक्ट, कौन सा, जो फास्टर इफेक्ट, फास्टर इफेक्ट क्या है, एक साइंटिस्ट के नाम पे ही है ये जो फास्टर इफेक्ट है, ठीक है। उसने क्या देखा, उसने देखा कि अगर तो हमारे पास ग्लूकोज की कंजप्शन है वो ज्यादा हो जाए, अगर हमारे पास क्या हुआ, ग्लूकोज की कंजप्शन ज्यादा हो जाए तो इसके पास हमारे पास क्या होगा, इथेनॉल की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और अगर ग्लूकोज की कंजप्शन हमारे पास कम हो तो इथेनॉल की जो प्रोडक्शन है वो भी ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। उसने ये किसी बैक्टीरिया सेल्स में या यीस्ट सेल में जब क्या है ये कर रहा था एक्सपेरिमेंट, तो उसने ये एनालाइज किया, ठीक है। एक बात और बताना हम भूल गए थे कि जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो मोस्टली जो यीस्ट है या फिर बैक्टीरिया सेल उन्हीं में होती है, ठीक है,
जैसे वो मसल्स में हो रही थी जो लैक्टेट बनना था, तो ये जीस्ट और बैक्टीरिया सेल में फॉर्म होते हैं बेसिकली, जो इथेनॉल बनती है। तो पास्टर इफेक्ट क्या है, जब ग्लूकोज ज्यादा है तो उस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया तो इथेनॉल की प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रही है। अब ग्लूकोज कम है तो इथेनॉल की, मतलब ग्लूकोज कंजप्शन कम हो रही है तो इथेनॉल की प्रोडक्शन भी कम हो रही है। तो उसने देखा कि ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। तो उसने देखा कि अगर तो हमारे पास ग्लूकोज से पाइरूवेट बनके, ठीक है, उस प्रोसेस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ऑक्सीजन की क्या है, प्रेजेंस है, तो क्या हुआ, इट मींस वहां पे क्या है, एटीपी प्रोडक्शन कितने हो रहे थे, 38 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है। और अगर हुआ कि हमारे पास ग्लूकोज से पाइरूवेट बना फिर उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन की एब्सेंस है, तो वहां पे सिर्फ 280 जनरेट हुए हैं, ठीक है। और हमारे पास बना जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, इथेनॉल बन गया, ठीक है। और यहाँ पे जो बना था हमारे पास जो क्रेब्स साइकिल वगैरह वो सब परफॉर्म हो रहे थे, ठीक है। इट मींस उसने देखा कि अगर हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज की कंजप्शन ज्यादा है, अगर हमें अब क्या है एनर्जी हमें 38 की इक्वली चाहिए बॉडी को, पर बॉडी में सिर्फ क्या है 280 ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, इट मींस क्या है ग्लूकोज और ज्यादा कंजर्म होगा। अगर ग्लूकोज की कंजप्शन ज्यादा है तो इथेनॉल भी हमारे पास ज्यादा बनेगा, ठीक है। अगर ग्लूकोज की कंजप्शन कम है तो इट मींस हमारा जो क्रेब्स साइकिल वाला साइकिल है वो परफॉर्म होगा, इथेनॉल की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगी और हमारे पास क्रेब्स साइकिल वाला साइकिल परफॉर्म होगा। इसी इफेक्ट को हम कहते हैं जो पास्टर इफेक्ट है, ओके। एक इफेक्ट का नाम और है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं वैन वुलगर्फ इफेक्ट। इसका स्पेलिंग देख लेना, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो आई थिंक ये वार्डब्रुक इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें साइंटिस्ट ने क्या एनालाइज किया, जो हमारे बेसिकली कैंसर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब कैंसर सेल्स बन जाते हैं तो जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और हमारी ग्लूकोज की जो कंजप्शन है, मतलब तो ग्लूकोज बॉडी से तेजी से रिमूव हो रहा है, उसकी कंजप्शन ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ये बाबर इसी इफेक्ट को हम कहते हैं वार्डब्रुक इफेक्ट। ये जो रीजन है इसका वो साइंटिस्ट को अभी तक नहीं पता चला, बस हमें इतना ध्यान में रखना है कि कैंसर सेल में क्या होता है कि होते हैं जो ग्लूकोज की कंजप्शन ज्यादा होती है जो उनकी एनर्जी को पूरा करते हैं, ओके। तो ये था हमारा पास्टर इफेक्ट, वो हो गया वार्बर्ग इफेक्ट। और हमने आज जो पढ़ा फर्मेंटेशन पढ़ा था, जो क्या था, एक तो लैक्टेट प्रोड्यूस कर रहा था और सेकेंडली जो हमारे पास था इथेनॉल, हमारे पास NAD पॉजिटिव की फिर से रीजनरेशन हो रही थी। और इस स्टेप में हमारे पास टोटल जो ATP बचते हैं, मतलब बनते हैं, वो 280 ही हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो सबको पता ही होगा कि जब हमने ग्लूकोज से पाइरूवेट बनाया था, मतलब ग्लाइकोलिसिस वाला साइकिल किया था, तो उसमें क्या हुआ था, हमारे पास 280 प्रोड्यूस हुए थे और 2 NADH, ठीक है। अब वो 2 NADH है वो यहाँ पे ऑलरेडी कंज्यूम हो गए, क्योंकि सारे हमारे पास दो दो मॉलिक्यूल्स है ना, टू मॉलिक्यूल्स इसके, तो इट मीन्स यहाँ पे 2 NADH होंगे, 2 NAD फॉर्म होंगे और 2 ही हमारे पास जो इथेनॉल के जो प्रोडक्ट है वो आएगा, ठीक है। तो 2 NADH वहां पे जो बने थे हमारे पास, वो 2 NADH यहाँ पे लॉस हो गए, तो नेट जो हमारे पास प्रोडक्शन थी वो 280 की रह गई, ठीक है। और जब क्या था, एरोबिक था हमारे पास, तब 38 ATP बने, तब हमारे पास 32 ATP प्रोडक्शन हुई थी या फिर 38 ATP की प्रोडक्शन हुई थी, ठीक है, जो हमने कल पहले कर चुके हैं। तो आज उनका हमारा जो फर्मेंटेशन वाला टॉपिक था वो अभी यहीं खत्म हो गया। तो मैं होप करती हूँ कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, उससे क्या होगा, इस चैनल की जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आप तक पहले सबसे पहले पहुंच जाया करेगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।